आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, देन शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि जो डी ई लाइन सेगमेंट है यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल है किसके साथ में, इस ओ क्यू लाइन सेगमेंट के साथ में। तो चलिए मार्क कर देते हैं दोनों पैरेलल लाइंस को। फिर उसके बाद बोला गया है कि डी एफ पैरेलल है किसके साथ में, ओ आर लाइन सेगमेंट के साथ में। और डी एफ कहाँ पर है, डी एफ ये वाला लाइन सेगमेंट है और ये पैरेलल है किसके साथ, इस लाइन सेगमेंट क्यू आर के साथ में। और हम लोगों को शो क्या करना है, हम लोगों को शो करना है कि ई एफ जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा किस लाइन सेगमेंट के साथ में, इस क्यू आर लाइन सेगमेंट के साथ में, राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और शो करते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं। अब कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं जहाँ पे कि हम लोगों को पैरेलल लाइंस के पेयर्स दे रखे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो पेयर्स हम लोगों को दे रखे हैं पैरेलल लाइंस के वो कौन से ट्राइंगल्स में आते हैं। तो पहला पेयर क्या है, डी ई और ओ क्यू साइड। तो डी ई साइड ये है और ओ क्यू साइड ये है, तो जरा बताएंगे दोनों पैरेलल लाइंस किस ट्राइंगल का पार्ट है, बिल्कुल बता सकते हैं पी ओ क्यू ट्राइंगल, जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है। तो इसके अंदर ये दोनों लाइंस आती हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस का दूसरा पेयर क्या दे रखा है, डी एफ और ओ आर। तो देखिए डी एफ ये वाला लाइन सेगमेंट है और ओ आर ये वाला लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल पी ओ आर का पार्ट है, ठीक है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए वो ट्राइंगल्स जिनके के अंदर पैरेलल लाइंस के पेयर्स आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। चलिए पहले हम लोग इस ग्रीन ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इसको नेम दे देते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। और इस ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के दे रखा है ना। सो दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट, इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, और क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जब ये दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं तो हम लोगों को पता है बी पी टी के अकॉर्डिंग किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें तो जो बाकी की दो साइड्स होंगी वो लाइन क्या करेगी, उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ट्राइंगल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं, जो ट्राइंगल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं उनमें हम लोग देखते हैं कॉमन साइड कौन सी है, और उस कॉमन साइड के ही पार्ट्स हम लोग पहले मैंशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, चले मेंशन कर देते हैं। सो देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ मस्ट बी इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। और इसका रीज़न क्या है ऐसा लिखने का, बी पी टी ऐसा कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब आ जाते हैं देखिए इस राइट ट्राइंगल पर, इसको भी मैंशन करें हम लोग। सो इन ट्राइंगल विच वन पी ओ आर, और इसके अंदर हम लोगों को दिया है कि डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। मतलब ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, मेंशन करें इसको। सो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और जब ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या करेगी, इस ट्राइंगल की बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। लेकिन पहले पार्ट्स किसके लिखने हैं, इस कॉमन साइड के। इट मीन्स डी पी अपॉन पी ओ मस्ट बी इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ आर, मैंशन कर देते हैं। देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ भी हम लोगों ने बी पी टी को फॉलो किया, और अब हम लोगों के सामने देखिए दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। और जब इन दोनों इक्वेशंस की हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे क्या है, पी डी अपॉन डी ओ, और यहाँ भी इस इक्वेशन में देख रहे हैं पी डी अपॉन डी ओ। और कभी भी जब हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस हों जिनकी कि एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब हम लोग कह सकते हैं तब पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगा। इस पॉइंट को मैंशन करते हैं, तो यह हम लोग लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर वन एंड टू। इक्वेशन नंबर वन और टू के बेसिस पर बोला जा सकता है कि पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब हम लोग आते हैं देखिए इस ट्राइंगल पी क्यू आर में, और इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एक कंडीशन हम लोगों के सामने निकल के आ गई, और वो कंडीशन क्या है कि पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। पी ई देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट है, सो दिस अपॉन दिस
इज इक्वल टू वॉट दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट। तो क्या नोटिस किया हम लोगों ने, हम लोगों ने नोटिस किया कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर की जो दो साइड्स है पी क्यू और पी आर, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं और इनको सेम रेशियो में डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट। करेक्ट, कौन सा लाइन सेगमेंट, ई एफ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब ई एफ लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा किस लाइन के साथ में, क्यू आर लाइन के साथ में। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा कन्वर्स ऑफ बी पी डी कहती है। तो कन्वर्स ऑफ बी पी डी कहती है कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल में कोई एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ करें जो कि उस ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और इसका रीज़न क्या है, कन्वर्स ऑफ बी पी डी। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने इस तरीके के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।